हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ऐसा आता है तो हम सबका फास्ट है, क्योंकि गाइज हम फर्स्ट नवरात्रि को भी सबका फास्ट था। जैसे घर में सिर्फ एक विपिन भाई साहब का नहीं था और सबका फास्ट था। ये देख लो तो बेटा, रुको ना एक सेकेंड, फिर मैं आपकी बनाऊँगी। पापा मेरी बना रहे, मैं आपकी बनाऊँगी। तो गाइज आज भी हम सबका ही फास्ट है, सिर्फ भाई साहब का नहीं है। और अभी बज रहे तो खैर के दो, तो मैंने अभी ना मतलब 11 बजे पूजा कर ली थी, लेकिन जब थोड़ी सी चाय पीने के बाद। और गाइज अभी मैं दिखाती हूँ, तो देख लो ये बनाया है गाइज दही में, जैसे कि मीठा डाल के और फ्रूट कट किए हैं। तो ये रेसिपी बनाई है मेरे हस्बैंड ने। परी ये ऐसे करे यार, देख लो एक सेकेंड रुको ना। तो गाइज ये रेसिपी बनाई मेरे हस्बैंड ने, अभी मैं अंदर ही बैठी थी, ये बाहर से बना के लेकर आई है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती जब ये बना रहे थे। वैसे तो सिंपल ही होगी, दही में मीठा डाल के और फ्रूट कट करके डाल दिए है। एक सेकंड बेटा, तो अभी जो है मैं ये खा रही हूँ, और ये पीछे बर्तन दिख रहे होंगे, इन्होंने खा लिए। सो गाइज अभी मैं बना रही हूँ बर्फ के लिए पकौड़ी और समा के चावल बना रही हूँ। तो चावल तो अभी हमारे बन गए हैं, वो मैं आपको बैक कैमरा से बाद में दिखाऊँगी। और आज हम जाने वाले हैं अभी मेले में, तो काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे। तो फिर अभी विपिन भाई साहब लेके जाइए हमको आज मेले में। तो यही है गाइस, वैसे तो टाइम हो चुका है, अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन ये बना लूँ पकौड़ी और जो है चावल बन ही गए हैं, और भाई साहब के लिए बनेंगी गाइस सो रहा है बाहर से, तो विपिन भाई साहब के लिए बनेंगी रोटी। तो ये सारा काम करके और फिर हम चलते हैं मेले में घूमने के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं मेले में, तो बच्चे जिद कर रहे थे कि हम झूलेंगे झूला पे। तो गाइज इनको तो अकेले बैठा नहीं सकते, इस वजह से गाइज मैं और रूबी भी हम दोनों बैठ गए थे, नौ वाली झूला में झूले थे हम सारे बच्चों को लेके। लेकिन गाइज मुझे इतना डर लगा उसमें, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी। एक बार और बैठी थी मैं गोल वाली में, तो उसमें भी मेरी हालत ख़राब थी। और गाइज कल भी मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी वीडियो बनाऊँगी जब झूला पर झूलेंगे, लेकिन गाइज डर की वजह से मेरी तो आँखें ही बंद थी, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। तो फिर हम झूला झूलने के बाद आगे थे घर। सो गाइज अभी बज रहे सुबह के 5 और मैं जो नहा ली हूँ आज, क्योंकि गाइज आज है 8 है और हमारे 8 ही पुश दिए, तो अभी कन्या बैठेंगी आज। और मैं गाइज आपको बैक कैमरा से टाइम भी दिखाऊंगी कि 5 बज रहे सुबह के। तो आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। वैसे तो गाइज मैंने सोचा था कि आज मैं 4 बजे उठूंगी, लेकिन आज 8 ही निकली, क्योंकि एक तो रात भी 12-1 बजे सो रही थी, क्योंकि बच्चे नहीं सो रहे थे, और उसकी वजह से फिर मुझे भी नींद नहीं आई। और अब भी आँखें खुली है 5 बजे, वैसे तो मैं उठ गई थी और भी पहले ही, क्योंकि 5 बजे मैं नहा ली हूँ। और तो आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं, आपको सीटी की आवाज़ आ भी रही होगी, तो देखते गाइज हमारे तो आज ही कुछ तो आज ही कन्या बैठेंगी, तो अभी बना लेते हैं फटाफट से, कितना टाइम लगता है देखते। वैसे तो आप थोड़ा लेट होगी, क्योंकि जब कन्या वन्या ऐसे कुछ काम होता है तो गाइज मैं मतलब और ज़्यादा ही जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं, जय माता दी, देखते हैं कब तक कन्या बैठेंगी। वैसे तो गाइज अभी ना ये भी थोड़ा अभी रास्ती भी हो रही है इस टाइम, तो कन्या भी नहीं। और अभी बज रहे सुबह के 5, तो मैंने बताया था मैं नहा तो मैं ली हूँ, आलू भी हमारे बॉईल हो गए, और यहाँ पे जो है चने बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़े से चने जो है हलवा और सब्जी में डालूंगी, क्योंकि माता के प्रसाद में ये ज़रूर डालते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खीर, हलवा और सब्जी पूरी, कंजक के लिए यही सब बनाऊँगी। तो गाइज अभी मैं सूजी छान रही हूँ हलवे के लिए। और गाइज अभी बज चुके हैं सुबह के 7, तो खाना तो हमारा सारा बन चुका है, सिर्फ यही है कि कन्या नहीं आई है। अभी मम्मी गई है मंदिर, तो फिर मम्मी आ जाएगी जब लेके आएगी कन्या, तो फिर बैठेंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाया है मैंने। तो गाइस इसमें बन गया है हमारा हलवा, और यहाँ बनाई है खीर, इसमें तो गाइस चाय है और आटा ये लग गया है हमारा, और गाइस सब्जी यहाँ बन रही है, बनी गई है, बस थोड़ी सी बॉईल होनी है, क्योंकि आलू तो हमारे बॉईल हुए थे। तो गाइज यहाँ सब्जी बन रही है, बस कन्या आ जाए, अभी तो सारा काम हो चुका है और तो ये तो गाइज ये देख अंधेरा आवे जब हम इंगे से बना हुए तो
बाहर से बना तो साफ। और गाइज आज ना हम कहीं जाने वाले हैं, तो ये व्लॉग तो मैं जो है अभी डाल दूँगी, मतलब बना के जितना भी बन पाएगा तो ये तो मैं डाल दूँगी दोपहर तक, और उसके बाद हम शाम को जाएंगे आज कहीं, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तो यही है कि बस कन्या जाए फटाफट से और वो जो है कन्या को भोजन करवा दे। और ये गाइस कपड़े रह रहे, सिर्फ आज कपड़े नहीं धोए थे मैंने सुबह, क्योंकि मैंने बताया ही था कि मैंने सोचा था कि मैं और जल्दी उठूंगी तो पहले कपड़े धोऊंगी, लेकिन गाइस आज आँख ही नहीं खुली, 5 बजे उठी थी, मतलब पहले उठ गई थी 5 बजे से, तो लेकिन फिर भी मैंने और सोचा था कि और बर्फ़ उठूँगी, तो यही है अभी कपड़े तो बाद में धो लूँ, कोई नहीं, पोछा वोछा हमारा जो है लग गया है, बस अभी तो कन्या बैठनी है, वो बैठा के उसके बाद मैं मशीन लगा कपड़े धोऊँगी। और बस गाइस कमेंट करके बताना कि किस किस के जो है 8 को बर्थ खुलते हैं और किस को 9 के, क्योंकि हमारे तो 8 में ही खुल जाते हैं यहाँ भी और मायके में भी। और गाइज अभी आ चुकी है हमारी कन्या, तो परी के पापा खिला रहे हैं इनको प्रसाद और रूबी जोत जला रही है, तो और सारा खाना तो हमारा सुबह ही बन गया था, सिर्फ अभी मैं बना रही हूँ पूरी। और गाइज इस दिन ना कन्या मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबके ही कन्या बैठती है, तो इस साल तो हमारे बहुत ही कम कन्या बैठी थी, मतलब ऐसे तो 5 कन्या जो है मिल गई थी, लेकिन ये भी बहुत ढूँढ ढूँढ के लानी पड़ी। मैंने सोचा था गाइज कि मतलब जैसे हर साल जो है बहुत आती है, तो मैंने प्रसाद भी उसी हिसाब से आया था, लेकिन कोई नहीं, माता रानी की जितनी मर्जी है। और गाइज इन दिनों में ना मेरा बहुत मन लगता है, आप देख सकते हो जो भी हमारे कितने अच्छे हो रहे हैं, तो माता के जब 9 दिन आते हैं इनमें अलग सी ही वाइब रहती है, बहुत अच्छा मन लगता है। तो गाइज हमारे तो जो है फास्ट खुल गए, और मैंने आपको बताया ही है कि आज हम कहीं जाने वाले हैं शाम को, तो गाइज वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइज जो मेरे चैनल पर नए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।